नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव परिणाम की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या नरेंद्र मोदी का जादू टूट गया है? देखिए, जादू दरअसल कब तक बना रहा ये भी एक ज्यादा बड़ा सवाल है, लेकिन निश्चित तौर पर बिहार ने उस जादू के, उस तिलस्म के टूटने की जो बात है उस पर मोहर लगा दी है। बिहार में दरअसल टकराव अहम का था। अहम की वर्चस्व की इस लड़ाई में, हालांकि कैनवस बिल्कुल अलग है, पहली लड़ाई देश के कैनवस पर हुई मई 2014 में, जिसमें निश्चित तौर पर 1-0 से मुकाबला नरेंद्र मोदी के पक्ष में था। नीतीश कुमार ये मानते थे कि नरेंद्र मोदी सर्वमान्य लीडर एनडीए के नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकते हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो शायद खुद को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते थे। इस वजह से जब उन्होंने एनडीए से किनारा किया तब ये माना गया कि नीतीश की बहुत बड़ी गलती है। वो कहते रहे कि हवा ब्लोअर से चल रही है, लेकिन ब्लोअर से नहीं, आंधी तूफान से हवा आई और नीतीश कुमार को भी उड़ा ले गई और वो राजनीतिक निर्वासन में चले गए लगभग। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने खुद को संभाला है वो काबिले तारीफ है। बिहार चुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि नीतीश कुमार ने न केवल खुद को संभाला है बल्कि वो खम ठोक कर इस मुकाबले को एक एक से भी आगे ले जाने की तैयारी में है। तो 17 महीने में ऐसा क्या होगा कि लोकसभा से स्थिति बिल्कुल उलट हो गई? ये अच्छा सवाल भी है और इसके कई कारण भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जो मतदाता है उसका मानस अब बहुत बदल चुका है और वो बहुत परिपक्व हो चुका है। वो इस अंधी दौड़ में नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति को वोट दे दिया तो लगातार उसी को वोट देना है। जब हम लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए गांव-गांव में, शहर-शहर में घूम रहे थे, मेरा खुद का अनुभव है, उत्तर प्रदेश ज्यादा घुमा हूं, बिहार उस वक्त नहीं गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में मैं जब घुमा हूं लोकसभा चुनाव के दौरान, तो मतदाता ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम केंद्र में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, राज्य के स्तर पर हम किसे देखना चाहते हैं ये हम तय करेंगे। दिल्ली के चुनाव में मैं जब घूमा था तो उन्होंने साफ कहा था कि मोदी जी को हमने केंद्र में जिता दिया है, राज्य में हम अरविंद केजरीवाल को वोट देना चाहते हैं, और उन्होंने दिया और 67-3 का जोरदार परिणाम सामने आया। तो इस दृष्टि से अगर आप इन सबको जोड़े, अब चूंकि उस वक्त तो बिहार में इस तरीके से प्रचार हो रहा था कि कोई भी राजनीतिक पंडित कयास नहीं लगा पा रहा था, ठीक ठीक नहीं कह पा रहा था, एग्जिट पोल्स तक को रेंज में बताया गया क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि महागठबंधन की इतनी बड़ी जीत हो जाएगी, जो कि एग्जिट पोल कह रहे थे कई सारे। तो मुझे लगता है इसका एक बड़ा कारण ये था कि दिल्ली को अपवाद माना गया था, ये माना गया था कि केजरीवाल को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरते हुए देखकर लोगों ने वोट दे दिया, लेकिन बाकी जगह ये स्थिति नहीं दोहराई जाएगी। लेकिन ये दोहराई गई, ये इसलिए दोहराई गई कि मैं दिल्ली और बिहार में कई तरह की समानताएं भी देखता हूं। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति शुरू से गड़बड़ाई हुई थी। उस गड़बड़ाई रणनीति में ही, हड़बड़ाहट में ही उन्होंने अचानक किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया, जो कि दांव पूरी तरह फेल हुआ। जब उनको समझ में आया कि वो भी बहुत ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो उन्होंने केजरीवाल के गोत्र का मुद्दा उठाया, फिर उनको भगोड़ा कहा, उन पर कई व्यक्तिगत हमले किए। आप देखिए, बिहार में ठीक यही हुआ, वो कोई रणनीति नहीं बना पाए, शुरू से एक स्पष्ट रणनीति बनाई कि हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे, जैसा हरियाणा में या झारखंड में या महाराष्ट्र में भी किया। मुझे लगता है सारे राज्य बिल्कुल अलग हैं, उनकी परिस्थितियां अलग हैं, सामाजिक परिस्थितियां अलग हैं, जातीय समीकरण अलग हैं, उन राज्यों में ये चीज काम कर गई, लेकिन निश्चित तौर पर ना दिल्ली में काम करी ना बिहार में। बिहार में अब वो निश्चित तौर पर नए मुख्यमंत्री को, पद के उम्मीदवार को घोषित करने की गलती दिल्ली की तरह हड़बड़ी में नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये उनको समझ में आ रहा था कि जमीनी रिपोर्ट कुछ और कह रही है, हवा उनके पक्ष में नहीं है। तो उस हवा को बदलने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक गलतियां करती चली गई। कभी वो गौमांस को ले आए, कभी वो बाहरी बर्तन बनाम बिहारी के मुद्दे पर ठीक से जवाब नहीं दे पाए, न आरक्षण पर अपना पक्ष खुल पर रख पाए, न वो धार्मिक आधार पर वोटों को गोलबंद कर पाए। तो कुल मिलाकर इस गड़बड़ाई रणनीति में अगर मोदी जी और अमित शाह को ये लगता है कि केवल वे दोनों मिलकर हर राज्य पर इस तरीके से अपनी पताका फहरा लेंगे तो भारतीय मतदाता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह संभव नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता कि भाजपा नेताओं की बदजुबानी और बदगुमानी भी पार्टी को ले डूबी? देखिए, ये एक और बड़ा कारण है जिस पर लगाम कसी जाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि भाई हम उनके साथ नहीं है तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मान के चला गया कि इस तरह की बदजुबानी से, इस तरह के धार्मिक कट्टरवाद के बयानों से कुछ एक पक्ष होंगे जो कट्टर हिंदुवाद के फेवर में है, जो कट्टर हिंदुवाद के पक्ष में, वो वोटर इनके साथ आके खड़ा हो जाएगा। अगर ये कहते हैं कि हमने धर्म के आधार पर वोटों की गोलबंदी करने की कोशिश नहीं की है तो पांचवा चरण जिसमें कि मुस्लिम यादव वोटों का एक बहुत बड़ा योगदान था, उसमें आपने बछड़े वाले विज्ञापन क्यों छपवाए अखबारों में? आप करना चाहते थे, आपको स्वीकार करना चाहिए कि ये सब आप करना चाहते थे और ये सब फेल हुआ है। और चूंकि ये सब फेल हुआ है तो बहुत गहरे आत्मचिंतन की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। उनको शायद नरेंद्र मोदी की बजाय सुशील कुमार मोदी को चेहरा बनाकर आगे खड़ा करना चाहिए था, स्थानीय नेताओं को और ज्यादा विश्वास में लेना चाहिए था और स्थानीय समीकरणों को समझते हुए
ऐसी रणनीति बनाने की कोशिश करना चाहिए थी जो समावेशी हो और नीतीश और लालू के गठजोड़ से जो जमीनी समीकरण बन रहे हैं उनको तोड़ने में भेदने में कामयाब हो। क्या मोदी की ज्यादा सभाओं का नकारात्मक असर पड़ा? मुझे लगता है असर पड़ा, क्योंकि एक और बड़ी बात है जो हमारे रिपोर्टर जमीन पर थे, बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे हमारे लिए, उन्होंने आलेख भी लिखे वेब दुनिया के लिए ढेर सारे, उनसे जब हम बात करते हैं टेलीफोन पे तो पता लगता है कि मोदी की सभाओं में एक बड़ी दिक्कत ये रही कि उनको फीडबैक गलत दिया गया, जानकारी का अभाव था और उनको मिसलीड किया गया। जैसे वो मंच से जब कह रहे थे कि आपके गाँव में बिजली आती है कि नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, दरअसल उसको सुनने के बाद गाँव में जब हमारे रिपोर्टर के साथ व्यक्ति खड़ा था वो कहता साहब हमारे यहाँ तो 18 से 20 घंटे लगातार बिजली बनी हुई है। जब वो कह रहे थे कि आपके यहाँ सड़क पुल पुलियाँ नहीं बनी तो वो कहता कि साहब मेरे गांव में सड़क नहीं थी आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले, लेकिन अब मेरे यहाँ सड़क है। जब वो कह रहे थे कि समाज विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ तो वो कहता था कि साहब मेरी बच्ची को साइकिल मिली है और नीतीश कुमार जी ने जो साइकिल ली है उसको लेकर वो पढ़ने जाती है। आप देखिए दोनों की रणनीति में जमीन आसमान को, आपने रैलियों की बात की है, ये बात बिल्कुल सही है कि हवा में हेलीकॉप्टर लेकर उड़ने और रैलियों करने से चुनाव नहीं जीते जा सकते। वो लोकसभा जैसे चुनाव में जहां पर की जमीन पर अलग काम होता है, हवा में अलग होता है, वहां काम कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में भी आप देखिए, जैसे मैं बार बार समानता इसलिए बताता हूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल छोटी सभाएं कर रहे थे, सुगठित सभाएं कर रहे थे, छोटे छोटे वर्गों को संबोधित करके उनकी भाषा में उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। यहां मोदी की बड़ी बड़ी सभाएं हो रही थी, वहां नीतीश कुमार के साथ जो युवाओं की टीम खड़ी थी प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, उन्होंने 5-6 जो नीतियां अपनाई, सबसे बड़ी पर्चा पे चर्चा, जिसमें उन्होंने एक पर्चे में नीतीश कुमार के विकासवाद के नारे को ठीक से परिभाषित किया, नीतीश कुमार के उसमें दस्तखत थे और ये कहा गया कि इस बारे में आपको अगर चर्चा करनी है तो मिस्ड कॉल दीजिए, मिस्ड कॉल वालों से वो बात करते थे। फिर उनको समझ में आया कि बिहार का एक बहुत बड़ा तबका है जो ना टेलीविजन देखता है ना अखबार पढ़ता है और उससे कैसे बात की जाए, तो उन्होंने हर घर दस्तक का कार्यक्रम बनाया और उन्होंने कोशिश की कि कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र के 20,000 मतदाताओं तक सीधे सीधे पहुंचने की वो कोशिश करें, मुझे लगता है बहुत बड़ी पहल थी। फिर उन्होंने जो स्वाभिमान रथ की कल्पना की और जिसमें पीली साइकिल के द्वारा उन्होंने 7 ऐसे मुद्दे जिन पर नीतीश कुमार काम करना चाहते हैं, तो ये ठोस जमीनी काम थे, छोटे समूहों से बात करके घर घर जाने की बातचीत थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस संघ के आधार पर, जिस संघ के बुनियाद पर आगे बढ़ने की कोशिश करती, उस संघ की रणनीति हमेशा से रही है। उस रणनीति से अलग होने के दुष्परिणाम दिल्ली में भी भुगतने पड़े हैं और बिहार में भी होगा। बिहार में भी जमीनी स्तर पर अगर इतनी मजबूत कार्रवाई हुई होती तो निश्चित तौर पर इतनी करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हम संघ की बात करें तो क्या आरक्षण वाले बयान का पार्टी को नुकसान हुआ है चुनाव में? ये कहा जा सकता है, उसके लिए मेरे पास एक ठोस उदाहरण इसलिए है कि एक टेलीविजन चैनल पर मैंने देखा था कि एक गांव में एक रिपोर्टर खड़ा था और वो उससे पूछ रहा था कि ये सारी जो बहस चल रही है गौमांस की, इसकी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? उसने कहा साहब गाय हमारे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, हम तो खुद जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको कसाई को देकर आ जाते हैं और इसलिए कि उस पैसे से हम दूसरी गायों को और हमारे यहाँ जो दूसरे पशु हैं उनको पालते हैं और गाय को लेकर कितना सम्मान करना चाहिए वो हमें कोई और नहीं सिखा सकता, गाय का सम्मान करना हमें आता है, लेकिन जाति हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, हमारे बच्चों को आगे जाकर, क्योंकि इस देश में बहुत प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है, तो उनको वो स्थान मिलेगा कि नहीं कि जो जाति के आधार पर मिलना चाहिए और उसको कोई खत्म कर रहा तो हमें चिंता है। तो देखिए जाति बहुत बड़ी भूमिका बिहार में निभाती है और हम ये मान सकते हैं कि ये जो बयान आया ये भी मैं कहूंगा कि उसके परिप्रेक्ष्य को निश्चित तौर पर गलत भी समझा गया और भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग उसको समझाने में नाकाम भी हुए कि उसका परिप्रेक्ष्य क्या था। उन्होंने कहा था कि समीक्षा होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर ये सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा तो सही लोगों तक कैसे पहुंचे। माना यह गया कि आरक्षण के खिलाफ है, उस बहस में पड़े बिना मैं ये कहता हूं कि उसकी टाइमिंग गलत थी, गलत समय पर उस बयान के आने से कितना नुकसान हुआ ये हम तुरंत तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका प्रभाव था और मैं उसके लिए एक रिपोर्टर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में जो बात एक बिहारी व्यक्ति की आई उसको बड़ा उदाहरण मानता हूं। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस हार की जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि बाकी नेता तो परिदृश्य बाहर ही थे सब? मुझे लगता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, अगर वो नहीं लेते हैं तो वो कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, उस कांग्रेस के साथ जिसको देश ने 44 सीटों के साथ पूरी तरह नकारा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो प्रचार में हर जगह राहुल गांधी को आगे करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो चाहे मध्य प्रदेश, सब जगह राहुल गांधी जाते हैं। लोकसभा 2014 के चुनाव में राहुल गांधी चेहरा थे, लेकिन जब हार हो जाती तो वो कहते हैं कि नहीं राहुल गांधी इस्तीफा नहीं देंगे, राहुल गांधी की हार नहीं है, राहुल गांधी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, पूरी पार्टी की हार है, हम सब इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, उनके बचाव में पूरी पार्टी खड़ी हुई नजर आती है। अगर उसी धरने पर उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को भी चलना है तो गलत है। देखिए जीतते हैं तो सारी तालियां मोदी और शाह की जोड़ी को मिलती है, उनको सबसे अच्छा जोड़ीदार साझेदार और रणनीतिकार माना जाता है, तो जैसे कप्तान जीतता है तो उसके लिए तालियां मिलती हैं, तो जब हारने पर आलोचना होती है तो वो भी कप्तान की होती है, चाहे टीम के खिलाड़ियों ने भी बहुत सारी गलतियां की हो। और मुझे लगता है कि उतनी ही मजबूती के साथ, उतने ही स्वाभिमान के साथ मोदी और शाह की जोड़ी को यह मानना चाहिए कि जिस आत्मविश्वास के साथ वो बिहार चुनाव में उतरे थे वो नाकाम हुआ है, कमजोर हुआ है, उनकी रणनीति की हार हुई है और यहां
यहां से आगे भी अभी लंबा सफर उनको तय करना है, जिसलिए वो स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यहां से आगे भारतीय जनता पार्टी को शायद इससे बेहतर स्थिति में ले जा पाएंगे। यानी कि आने वाले समय में जो इस चुनाव परिणाम का देश की राजनीति पर क्या असर होगा? मुझे लगता है बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिहार का चुनाव केवल बिहार तक सीमित नहीं है। जब नीतीश कुमार की जीतने के बाद की पहली पत्रकार वार्ता को हम सुनते हैं, जिसमें उनके बगल में लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के चौधरी जी भी बैठे हुए हैं और वो बारी बारी से दोनों के और माइक के ढेरों को ढकेलते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि वो किस तरह की समावेशी राजनीति कर सकते हैं। उनकी जो बातचीत का लहजा था वो बहुत परिपक्व था, जिस दीर्घगंभीर अंदाज में उन्होंने कहा कि बिहार के परिणाम तो निश्चित तौर पर देश पर प्रभाव डालेंगे, और जब उन्हीं के बगल में बैठे हुए लालू तो कहते हैं कि हम लालटेन लेकर बनारस जाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जिन विकास के नारों को आगे करते हुए नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का चुनाव जीता था वो नारे कहां हैं, तो मुझे लगता है इन दोनों ही बयानों में हमें भविष्य की भारत की राजनीति की तस्वीर दिखाई देती है। एक बड़ी बात जो ये हो रही है कि क्या जिस तरीके से इस देश का पूरा राजनीतिक विमर्श लगभग 50-60 सालों तक कांग्रेस विरोध के इर्द गिर्द घूमता रहा, अब इससे आगे की राजनीति भाजपा विरोध के इर्द गिर्द घूमेगी और उस भाजपा विरोध के सिपाहसालार, उस भाजपा विरोध के नायक क्या नीतीश कुमार होंगे इस बड़ी जीत के बाद, यह हमको देखना होगा। लेकिन इसमें हमको ध्यान ही रखना होगा कि महागठबंधन जीता है, नीतीश कुमार का चेहरा जीता है, लेकिन ज्यादा सीटें आरजेडी के लालू यादव को मिली हैं, वो एक सिरदर्द आगे जाके नीतीश कुमार के लिए बन सकता है। तो इन सारी चिंताओं और चुनौतियों के बीच भी निश्चित तौर पर भारत का राजनीतिक विमर्श अब भाजपा विरोध और भाजपा विरोध के केंद्र में नीतीश कुमार को रखकर आगे बढ़ेगा, खासतौर पर तब जब हम देखते हैं कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बिहार में नीतीश कुमार को जिताने के लिए तत्पर दिखाई दिए। संसद में भी सरकार के लिए नई नई मुश्किलें खड़ी होंगी। संसद में तो मुझे लगता है अभी जो शीतकालीन सत्र शुरू होने ही वाला है, तो मुझे लगता है उस शीतकालीन सत्र में विपक्ष और मजबूती से तगड़े प्रहार केंद्र की सरकार पर करेगा। अब वो केवल 44 सीटों वाली कांग्रेस वाला विपक्ष नहीं रह गया है, वो बिहार में नीतीश और लालू की जीत से मजबूत होने वाला विपक्ष है, और इस विपक्ष की आवाज मुझे लगता है और ज्यादा मजबूती के साथ संसद में गूंजेगी। भाजपा को इस हार से क्या सबक लेना चाहिए? सबसे पहला सबक तो यह है कि अगर आपके पास सचिन तेंदुलकर जैसा जोरदार खिलाड़ी है भी, तो आप उसको एक से लेकर 11 नंबर तक लगातार बल्लेबाजी नहीं करवा सकते। सचिन तेंदुलकर उसका काम करें, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनका काम करें। मैं यहां पर साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत भी नरेंद्र मोदी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी नरेंद्र मोदी है। ताकत के रूप में उनका इस्तेमाल कब कहां करना है यह भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा, कमजोरी के रूप में कब कहां नरेंद्र मोदी जैसे तुरुप के इक्के संभाल कर रखना है, आगे नहीं करना है, खपाना नहीं है, गवाना नहीं है, यह भी समझदारी भारतीय जनता पार्टी को दिखानी होगी। वो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ न्याय करते हुए उनको हर जगह मैदान में उतारना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय चेहरों को मजबूत करने की कवायद तेज करनी होगी। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे बिहार चुनाव परिणाम की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।